मैं कहता हूँ देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं बैठ जाऊँ अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेके, टैक्सेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वही खत्म नहीं, बहुत छोटी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आज एक बात मैंने अभी सुनी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, अगर इन्होंने, जो नेक्स्ट जनरेशन ने फार्मिंग करना छोड़ दिया तो गेम खत्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम जितने भी शुरू होना शुरू हो जाएंगे, इधर पैसा कमाने का कुछ फायदा नहीं है। आज मैं अगर यही कहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है फार्मर्स की, गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ही सब कुछ होगा। बहुत अच्छा। जनाब ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नेचर इज द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पर ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गांव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे, रिश्वत ले ली, और नहीं रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा लेते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो। और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देर आर सम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूं तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे। दैट इज एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा। कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए। एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा, और मतलब बहुत मतलब आप सब जानते हैं, सब अकलमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, व्हाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे, वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें, एंड दे यूज़ ब्रेन्स, टेक्नोलॉजी, दे यूज़ द एडुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है, और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ गेट इन टू दिस, इट इज़ अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आर कंट्री। The best thing is about the foundation. I've known about this whole foundation, what was the things, kind of things they were doing. So they were working for the farmers, they're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got, you see, there were a lot of farmers also inside. Because I personally feel, I asked the channel to get farmers and to talk to them, because they are the right person to talk about what the problem is, rather than we just discussing about it, because we being in a city wouldn't know about it, they would know more about it. So they've come here, it is such a lot of things, like eye-opening things, like one of the farmers was saying that about pesticides, duplicate kar lete hain log, and because of that the crops actually die, and that like compels them to
commit suicide, and a lot of other things which I myself have learned it, because I don't come from background of being a farmer, but I can feel it. It was very heart touching. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.